खुशी है मुझे कि हमारी इंडस्ट्री 100 साल पूरी कर रही है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस 100 साल में मैं आखिर के 25 साल का एक हिस्सा मैं भी रहा हूं, और इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री का एक मैं हिस्सा, इतने कमाल के टैलेंटेड लोगों के साथ मैं एक मंच पे खड़ा हूं जो पिछले 100 साल से काम करते आ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि मुझे भी एक मौका मिला है उस मंच पे खड़े रहने का। पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स मुझे नहीं जाना। तो ये सफ़र जो रहा है बहुत ही खुशी का सफ़र रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जब मैं इन 25 सालों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि 25 साल कैसे गुजर गए, और अच्छा भी लगता है कि मैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन पाया हूँ और अपने तरफ से कुछ मैं योगदान दे पाया हूँ और बहुत कुछ सीख पाया हूँ। तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूँ, लोगों को खुशी दे पाया हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूँ। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है, और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है। आई गिव माई फेलियर्स एज मच इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू एज माई सक्सेसेस। जितनी अहमियत मैं अपने कामयाबी को देता हूँ उतनी अहमियत मैं अपनी कमज़ोरियों को भी देता हूँ, या जो गलत कदम मैंने उठाए उनको भी देता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बेहतर बना पाया हूँ। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल। थैंक यू सर। फोटो लेगा।